नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम नेचुरल गैस का आउटलुक देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर नेचुरल गैस की अगर बात करें तो अब तक गिरावट गिरावट और गिरावट रही है। हमने नो डाउट जैसे 2024 स्टार्ट हुआ था तब हमने देखा प्राइजेस में गेंस भी स्टार्ट हुआ। उम्मीद ये थी कि विंटर्स अच्छी है, इसकी वजह से तेजी आएगी, बट आई नहीं। इनफैक्ट नवंबर दिसंबर जनवरी ये 3 महीने ऐसे होते हैं यूरोप में जहाँ पे सीवियर ठंड होती है। तो ठंड तो थी, हमने देखा यूएस यूरोप में ठंड अच्छी हुई, बट उसके बावजूद हमने 300 का लेवल जो नवंबर मिड में आते हुए देखा, उसके बाद एक भारी गिरावट आई, प्राइजेस 190 का लेवल छुआ। फिर कोशिश की गई मार्केट में विंटर की वजह से तेजी आएगी, बट जैसे हमने पहले भी कहा था कि हमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी तेजी नहीं लगती है और मार्केट में गिरावट है। पिछले 1 महीने में 26% की बड़ी गिरावट हमने नेचुरल गैस में अब तक आती हुई देखी और प्राइस आज करीबन 170 के करीब पहुंच चुका है। आगे क्या, तो सबसे पहले आप समझिए मार्केट में गिरावट क्यों आ रही है। गिरावट आने का मुख्य कारण है इन्वेंट्री लेवल्स। अगर आप ये देखेंगे यूरोप के अंदर जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो एलिवेटेड लेवल्स पे है, मतलब इन्वेंट्री काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिमांड, जिसकी वजह से हायर लेवल पे बार बार में हम देख रहे हैं प्राइजेस के अंदर एक फॉल बैक कंटिन्यू आ रहा है। एंड अभी भी उम्मीद है कि इन्वेंट्री लेवल एलिवेटेड पे ही रहेगी, जिसकी वजह से हमेशा प्राइजेस में दबाव ही रहेगा। लेकिन टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से वो हम टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे, बट अब फंडामेंटल पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म वेदर प्रोजेक्शन जो आ रहा है वहां पे हम देख रहे हैं रेन एंड स्नो के बारे में बताया जा रहा है। वार्म वेदर है अभी भी, आप देखेंगे तो 20 जनवरी से लेकर अभी तक हमने वार्म वेदर देखा है, जिसकी वजह से कंटिन्यू प्राइजेस में एक फॉल आता हुआ दिखाई दिया, बट कहीं ना कहीं अब वेदर चेंज होने वाला है। आप देखिए पोलर एयर सर्कुलेशन बिटवीन 15 से 22 के बीच में, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से मॉडरेट टू हाई डिमांड प्राइजेस में, जैसे लिखा हुआ है मिड फरवरी का जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो कूलर वेदर बताया जा रहा है। तो अब जो गिरावट आई है और प्राइजेस 170 का लेवल दिखा चुका है, ये एक बेहतरीन मौका बनेगा एक तेजी का, जो टेक्निकली भी मार्केट ओवरसोल्ड है उसको भी बेनिफिट देगा, और साथ में मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा उछाल देखने मिल सकता है, जो मे बी 200 का लेवल दिखा दे या 220 का लेवल दिखा दे, बढ़ जाएगा, क्योंकि EIA के डेटा में अभी तक लोअर देन एक्सपेक्टेड विड्रॉ था जो कहीं ना कहीं सरप्लस दिखा रहा था। तो इसकी वजह से मार्केट में गिरा था। फंडामेंटल एज ऑफ नाउ मंदी है, क्योंकि जो वेदर टेम्परेचर्स है वो कहीं ना कहीं वार्मर वेदर थे जिसकी वजह से गिरावट आई है। टाइमिंग हमें लगता है कि वेदर ड्राइव कर रहा है पूरे डिमांड सेक्टर्स को, साथ में कमर्शियल गैस के जो कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट एज ऑफ नाउ बढ़ना चालू हो जाएगा आगे वेदर को देखते हुए। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर अब तक जो गिरावट था वो वेदर की वजह से चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोलर एयर सर्कुलेशन जो 15 फरवरी से लेकर 20-22 तारीख के बीच में है, ये कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को एक अच्छा खासा सपोर्ट। अब टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो टेक्निकली यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइजेस में एक बड़ी गिरावट आई और अब यहाँ पे जाके मार्केट एक बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट में एक बड़ा फॉल के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में जाता हुआ दिखाई दिया है। हाँ, 182 का लेवल निकलने पे हमें लगता है मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई देगी, जो 210 से 215 के जोन में एक बार जाता हुआ दिखाई देगा। उसका कारण है पहला वॉलिटी। अब देखिए जो बनी हुई थी बड़ी फॉल की वो अब खत्म हो गई है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये इंडेक्स ऊपर की तरफ जाकर फिर नीचे बनेगा। सेकंड है, यहाँ पे हमने बताया भी था कि मार्केट में गिरावट रहेगी और हमने एग्जैक्टली मार्केट में गिरावट दी। अब ये कर्व बनाना चालू कर चुका है, जैसे कि आप स्टॉक ग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पे कर्व बन रहा है। तो नेगेटिव क्रॉसओवर था, अब वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए, जैसे कभी भी ये कर्व बनना चालू होता है तो एक तेजी स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मल्टीपल सपोर्ट पहले भी बने हुए हैं यहाँ पे पास्ट में भी, तो ये लेवल से मुझे लगता है कि तेजी बनेगी, क्योंकि धीरे धीरे नेक्स्ट वीक में जो स्पेकुलेटर्स है वो रिटर्न ऑफ विंटर वेदर के अपडेट के चलते, फोरकास्ट के चलते कहीं ना कहीं डिमांड, तो VC के मार्केट थोड़ा कॉशियस जरूर है ये लेवल पे, पर कोल्डर वेदर का जो अपडेट आ रहा है वो प्राइजेस को अपलिफ्ट कर जाएगा। तो करंट लेवल से मुझे लगता है 170 के करीब मिलता है, लेके चलिए 160 का छोटा स्टॉप लॉस है, बट वेदर को देखते हुए मुझे लगता है कि इतना ही छोटा रिस्क लेना चाहिए। 160-170 के नीचे प्राइजेस बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेगा। यहाँ से 200 टका है ऊपर में आपको 190, 200, 210, 215 ऐसे लेवल दिखेगा, लेकिन ये दिखेगा 12 फरवरी
12 फरवरी के बाद से ही रैली आएगी। तो हो सकता है फ्लक्चुएशन के चलते, जैसे आज भी हम देख रहे हैं 75 का भाव ऊपर में मारा और 68 का नीचे मारा, तो 10-12 रुपया दे कोई बड़ी बात नहीं है नेचुरल गैस में। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है 170-160 का जो जोन है वो बाइंग का जोन है। ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कीजिए, एनएसी पे भी अब ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन के अंदर आप कॉल ले लीजिए या कॉल बैक स्प्रेड कीजिए। कैसे, 160 का कॉल बेच दीजिए, दो कॉल बेच दीजिए और 170 का एक कॉल ले लीजिए। अब प्राइजेस अगर 170 के बियॉन्ड गई तो आपका एक नेकेट बाय कॉल खड़ा हो जाएगा। तो इस ढंग से आप पोजीशन बना सकते हैं, मतलब एक इन द मनी का कॉल बेचना है 160 का और 170 या 180 के दो कॉल ले लेने हैं। जब जैसे ही 180 के ऊपर भी गया प्राइस तो एक अच्छी तेजी बन जाएगी। सीजनैलिटी की भी अगर हम बात करते हैं तो सीजनैलिटी में आप देखोगे तो प्राइजेस के अंदर ज्यादा करके हम देख रहे हैं कि जनवरी फरवरी में मार्केट में गिरावट ही आती है, ये लास्ट ईयर का है। लेकिन अगर 5 साल की एवरेज सीजनैलिटी पकड़ेंगे तो यहाँ से मार्केट बेस बना के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिला के हमें लगता है कि नेचुरल गैस में कहीं ना कहीं बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 160-170 का जोन बहुत बढ़िया है लेने के लिए। ऊपर में हमें लगता है 182 का लेवल तोड़ने पर 190-215 तक का भी लेवल दिखेगा फरवरी एंड तक। तो कुल मिलाकर नेचुरल गैस में बाइंग करके ही काम करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।